हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो वेयर वर वी इन द लास्ट लेक्चर? आई थिंक वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड गुडविल, ओके, द डेफिनेशन ऑफ द गुडविल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी विल जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर। In the last lecture, we have gone through the definition. What it is? Goodwill is an intangible asset. It shows the reputation of the firm in the market. Okay? The definition is very much important for the examination. It is normally generally asked for the one mark. Okay? Then, we have gone through the factors affecting the value of the goodwill. I think there are 6 factors: nature of the business, location of the business, period of the business, market situation, efficiency of the manager, and other factors. Right? Okay. So, in the last lecture, I think you are totally agree that the goodwill is basically बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। गुडविल किसके ऊपर बेस करता है? प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है। दूसरा एक है फैक्टर लाइफ, दैट मीन्स द पीरियड, कितना पुराना बिजनेस है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है प्रॉफिट, दैट आपका बिजनेस प्रॉफिट ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसको वजह से। दैट मीन्स इफ देर इज अ लॉस इन द बिजनेस, then the goodwill value is 0 rupees. Goodwill की value क्या हो जाएगी? 0. अगर आपका business firm continuous basis पे loss कर रहा है, then there is no goodwill. Okay? वहां पे goodwill नहीं होगी. So, तो we have revised. Okay. Now the very much big question is कि sir, ठीक है, आपने ये बोल दिया कि हर एक बिजनेस में गुडविल हो सकती है अगर वो बिजनेस बहुत पुराना है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट भी कैसा? कि जो उसके दूसरे कंपटीटर्स हैं उससे भी ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, देन ओके, तो उसकी गुडविल हो सकती है। उसके हमने फैक्टर्स भी सीख लिए, ठीक है, उसका फिक्स कस्टमर बेस होता है। तो लेकिन अब ये बताओ कि उसकी गुडविल की वैल्यू 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, हमको डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसका आंसर यही है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें 4 मेथड सीखनी है। ये मेथड के बेस के ऊपर ही आपका 3 मार्क्स का सम जो इस चैप्टर से आएगा वो ये मेथड के ऊपर। बहुत ही इजी मेथड्स है, ठीक है, थोड़े बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, वो आपको याद रखने, देन दैट्स इट। और दूसरा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में रिपीट होगा, वहां पे वो स्मॉल एडजस्टमेंट के तौर पे वहां पे पूछा जाएगा। सो पे अटेंशन ओवर हियर प्रॉपरली। तो उसके कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, इसमें से ये जो एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये 3rd and 4th मेथड में भी रिपीट होगी, ठीक है। पहली 2 मेथड बहुत इजी है, लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड के, वेरी मच इजी। आप दुआ करो कि एग्जाम के अंदर एवरेज प्रॉफिट का ही सम आ जाए, सो गुड फॉर यू। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, सो प्लीज डोंट बी हैप्पी, जस्ट बी सीरियस। मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके मैंने बोला 2 फॉर्मूला है, यू हैव टू फाइंड 2 थिंग्स फॉर दिस। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट,
व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट्स आपको दिए हैं टोटल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. ओके देन सेकेंड थिंग गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू जो आपने एवरेज प्रॉफिट पे लिखा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेस इन द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस गिवन इन द क्वेश्चन. ये दो चीजें आप बोलोगे सर ये क्या है. पहले ये दो फॉर्मूला तो देख लो. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट फॉर द गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ये जो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा उसको कुछ नहीं करना है. ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्वेश्चन में दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. लेट्स गो थ्रू द इलस्ट्रेशन वन. इलस्ट्रेशन नंबर वन determine the value of goodwill based on the 3 years of last 5 years average profit. Determine the value of goodwill based on the 3 years purchase. That means number of years of purchase de diya kitna hai 3 years. Number of years of purchase 3. Maine bola tha question mein diya. Okay to ye mil gaya 3 ऑफ लास्ट फाइव इयर्स एवरेज प्रॉफिट. मतलब ये पांच साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना मतलब पांच साल का प्रॉफिट होगा उसका टोटल करना है सम करना है डिवाइड बाय फाइव दैट वी हैव गिवन. ईयर 11 12 12 13 13 14 14 15 एंड 15-16 उसका प्रॉफिट 2 lakh 10,000 190 215 एंड 220. अगर देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन ही यहां पर ठीक है. यहां तक क्या है क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन को आंसर में रिपीट करना है. एक कॉलम यही आएंगे ईयर सेकंड कॉलम प्रॉफिट फिर क्या करना है प्रॉफिट का टोटल. प्रॉफिट का क्या करना है टोटल. मैं टोटल यहां पे लिख रहा हूं टोटल प्रॉफिट का क्या करना है टोटल 10,35,000 हाउ मच 10,35,000 टोटल प्रॉफिट. ओके अभी इसको फॉर्मूला में पुट करो. एवरेज प्रॉफिट क्या है टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर्स. तो मैं पांच साल का बोला था तो ये रहा पांच साल का प्रॉफिट टोटल कितना 10,35,000 डिवाइड बाय कितने साल है पांच साल डिवाइड बाय फाइव ईयर्स. So the average profit is 2,07,000 only. Average profit मिल गया. Okay. अभी क्या करना है goodwill. Goodwill is equal to क्या formula average profit. तो ये average profit 2,07,000. फिर क्या number of year of purchase given in the question. Number of year of purchase. तो ये स्टार्टिंग में लिखा था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने थे 3 साल मल्टीप्लाई बाय 3. सो द गुडविल ऑफ दिस फर्म इज 6,21,000 रुपीज. हाउ मच इज इट 6,21,000. आर यू गेटिंग इट. ओके बहुत इजी था
हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वहां पे बोला है कि ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब 5 साल का प्रॉफिट लेना था, 5 साल दिए थे, वो प्रॉफिट का क्या किया टोटल, ओके टोटल फिर डिवाइड बाय 5 years गॉट द एवरेज प्रॉफिट, देन अप्लाई द गुडविल फॉर्मूला. व्हाट इज द गुडविल फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट दैट वी हैव फाउंड आउट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दैट इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, 3 years, दैट्स इट, गेट द गुडविल. ओके, दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 1. नाउ 2. इलस्ट्रेशन 2. आई होप कि आप सबके पास टेक्स्ट बुक एटलीस्ट है, बिकॉज नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट अप द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. इलस्ट्रेशन नंबर 2. हसु एंड वसु आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. Contemplate to change the profit and loss distribution ratio 2:1 to 1:1. Determine for valuation of goodwill. Following information, determine the value of the firm's goodwill as per the agreement of the partnership. The value of the goodwill is to be computed at 5 years purchase. 5 years purchase. That means number of year of purchase. 5 saal diye, number of year of purchase. Average profit of last 4 years, मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 4 साल का निकालना है, फिर जो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 4 साल का एवरेज उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 5 साल से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, फिर वो एवरेज प्रॉफिट 4 साल को 5 साल से क्या करना है मल्टीप्लाई, सॉरी गेट द गुडविल, राइट. ओके, प्रॉफिट तो ये अपना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन है, इसको आंसर में ये 2 कॉलम तो रिपीट होगी. ओके, तो 4 साल आ दिए और 4 साल के प्रॉफिट, उसमें से एक ब्रैकेट में दिया, किसमें दिया है ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट में है वो लॉस है. क्या है? लॉस है. ओके, अभी हमें तो गुडविल फाइंड करनी है, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितना यहाँ पे 4 साल का, 1, 2, 3, 4 4 साल. तो अब इसका क्या करना है, टोटल 1 लाख प्लस 120 प्लस 120 माइनस 40,000 माइनस हाउ मच 40, क्यों ये लॉस है, क्या है ये लॉस है, सो माइनस 40,000, देन अगेन ये प्रॉफिट है, देन प्लस 60,000. आर यू गेटिंग इट? प्रॉफिट का समेशन और ये जो लॉस है उसको माइनस करना, सो टोटल दैट यू विल गेट इट इज अ 2,40,000. Now just apply the formula of average profit. So average profit is equal to total profit of the given year. Yes. तो total हमने किया कितना है, 2,40,000, right? Divide by number of years. मैंने बोला था average profit 4 साल का निकलना है. So divide by 4. एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 60,000. नाउ अबाउट द गुडविल, फॉर गुडविल वी रिक्वायर एवरेज प्रॉफिट दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 60,000. एवरेज प्रॉफिट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं यहां पे, 5 साल, 4 साल का एवरेज था और 5 साल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 3 lakh rupees. So the goodwill value is 3 lakhs. Easy, कुछ नहीं करना था,
प्रॉफिट दिया था 4 साल का, उसको टोटल किया, उसमें एक लॉस था तो उसको सिर्फ माइनस करना था, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को डिवाइड बाय 4 इयर्स किया, व्हाट द एवरेज प्रॉफिट? ₹60,000, राइट। देन जो एवरेज प्रॉफिट मिला उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई, गॉट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो 2 इलस्ट्रेशन थे दैट वी हैव डन, एंड आई होप ये उसके एक्सरसाइज में भी 2 सम है तो आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो नाउ वी विल लर्न वेटेड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको आपको नोट डाउन करना है सो यू कैन नोट इट डाउन।